यह है डिग्री पार्ट वन का हिंदी का क्वेश्चन जो सौ मार्क के लिए है और ये ग्रुप ए बी और सी के लिए है तो चलिए हम इसमें आप लोग को इसका आंसर बताते हैं आप लोग अपना आंसर जो है मिला लीजिएगा तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत होती है तो किस चीज़ से होती है तो पहला का आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है तो यहाँ पर दूसरा का आंसर जो है वो सी हो जाएगा उमेश चंद्र मिश्र शिव क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर आंसू के कवि कौन है आंसू कविता के कवि कौन है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा प्रसाद क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पर हिमांद्री तुंग श्रृंग के कवि कौन है तो क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर जो है इसका भी सी हो जाएगा प्रसाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है यहाँ पर लहर के कवि कौन है तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा प्रसाद क्वेश्चन नंबर छठा है यहाँ पर का प्रकाशन वर्ष क्या है कामायनी किस वर्ष में प्रकाशन हुआ था उसका तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी हो जाएगा 1936 में क्वेश्चन नंबर सैंतीस है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं तो सातवां का आंसर जो है वो सी हो जाएगा छायावाद के कवि हैं जयप जयशंकर प्रसाद क्वेश्चन नंबर आठ है यहाँ पर दीन कविता के कवि कौन हैं तो आठ का आंसर जो है ए हो जाएगा निराला क्वेश्चन नंबर नौ है यहाँ पर महाराणा किस कवि का उपनाम है तो महाराणा जो है यहाँ पर किस कवि का उपनाम है ये पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर जो है वो ए हो जाएगा निराला का क्वेश्चन नंबर दस है यहाँ पर दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है तो इसका आंसर बी हो जाएगा सिमरिया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ग्यारह है और क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर जो है वो बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र क्वेश्चन नंबर बारह है यहाँ पर ब्याल पर विजय कविता के कवि कौन है तो बारह का आंसर जो है वो यहाँ पर ए हो जाएगा दिनकर क्वेश्चन नंबर तेरह है यहाँ पर कहने लगा चांद इसके कवि कौन है तो तेरह नंबर का आंसर जो है वो सी हो जाएगा दिनकर क्वेश्चन नंबर चौदह है गीत अगीत कविता उद्गत है तो यहाँ पर चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर पंद्रह है यहाँ पर हाहाकार कविता के कवि कौन है तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा दिनकर क्वेश्चन नंबर सोलह है यहाँ पर युधिष्ठिर की गलानी कविता के कवि कौन है तो इसका आंसर जो है वो भी हो जाएगा यहाँ पर ए दिनकर क्वेश्चन नंबर सत्रह है यहाँ पर भीष्म का पश्चाताप शीर्षक कविता के कवि कौन है तो सत्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी हो जाएगा दिनकर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अठारह है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था जन्म यहाँ पर कब हुआ था ये पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर जो है वो ए हो जाएगा तेईस सितम्बर उन्नीस को क्वेश्चन नंबर उन्नीस है दुर्वाचल कविता के कवि कौन है तो उन्नीस का आंसर जो है ए हो जाएगा अज्ञा क्वेश्चन नंबर बीस है यहाँ पर इतिहास की हवा शीर्षक कविता के कवि कौन है तो बीस नंबर का आंसर ए हो जाएगा अज्ञा क्वेश्चन नंबर इक्कीस है यहाँ पर वसंत की अवगामी कविता के कवि कौन है तो इक्कीस नंबर का आंसर ए हो जाएगा नागार्जुन क्वेश्चन नंबर बाईस है यहाँ पर वे और तुम कविता के कवि कौन है तो बाईस नंबर का आंसर डी हो जाएगा नागार्जुन क्वेश्चन नंबर तेईस है यहाँ पर गीता फड़ोस कविता के कवि कौन है तो तेईस नंबर का आंसर ए हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र क्वेश्चन नंबर चौबीस है यहाँ पर रक्त छन कविता के कवि कौन है तो चौबीस का आंसर डी हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र क्वेश्चन नंबर पच्चीस है यहाँ पर असुंदर के गांठ शीर्षक कविता के कवि कौन है तो पच्चीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र क्वेश्चन नंबर छब्बीस है यहाँ पर पूंजीवाद समाज के प्रति कविता के कवि कौन है तो छब्बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है यहाँ पर मंगल वर्षा कविता के कवि कौन है तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है यहाँ पर वेदना और कल्पना के कवि कौन है तो इसका आंसर सी हो जाएगा पंत क्वेश्चन नंबर उनतीस है यहाँ पर बबुल कविता के कवि कौन है तो उनतीस नंबर का आंसर जो है वो डी हो जाएगा मुक्ति बोध क्वेश्चन नंबर तीस है यहाँ पर श्याम तन भर बंधा यौवन पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है तो क्वेश्चन नंबर तीस का आंसर जो है वो सी हो जाएगा तोहड़ी पत्थर तोड़ती पत्थर क्वेश्चन नंबर इकतीस है यहाँ पर कुकुरमत्ता के कवि कौन है तो क्वेश्चन नंबर इकतीस का आंसर जो है ए हो जाएगा निराला क्वेश्चन नंबर बत्तीस है यहाँ पर है अमानिस उगलता गगन धन अंधकार पंक्ति जो है किसकी है तो यहाँ पर बत्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा राम की शक्ति पूजा क्वेश्चन नंबर तैंतीस है यहाँ पर मुक्त छंद के कवि कौन है तो तैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा निराला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौंतीस है कामायनी के कवि कौन है तो चौंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर प्रसाद ये क्वेश्चन एक बार ऊपर भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर पैंतीस है यहाँ पर सोफा लिखा के कवि कौन है तो पैंतीस का आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर छत्तीस है यहाँ पर जागो फिर एक बार के कवि जो है कौन है तो छत्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा निराला क्वेश्चन नंबर सैंतीस है यहाँ पर साँझ का बादल के कवि कौन है तो सैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएगा धर्मवीर भारती क्वेश्चन नंबर अड़तीस है कवि और कल्पना के कवि कौन है तो क्वेश्चन नंबर अड़तीस का आंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर बी हो जाएगा धर्मवीर और भारती क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उनचालीस है तरस तपक का प्रकाशन कब हुआ था तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था क्वेश्चन नंबर उनचालीस है और यहाँ पर इसका आंसर जो है ए हो जाएगा उन्नीस क्वेश्चन नंबर चालीस यहाँ पर पूछा गया है छल कविता के कवि कौन है तो चालीस का आंसर जो है वो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा पंत क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इकतालीस है बंगाल का काल कविता के कवि कौन है इसका आंसर जो है आप लोग का सी हो जाएगा बच्चन हरिवंश राय बच्चन क्वेश्चन नंबर तैंतालीस है यहाँ पर विपल्व गान शीर्षक कविता के कवि कौन है तो बयालीस नंबर का आंसर जो है वो ए हो जाएगा बच्चन क्वेश्चन नंबर तैंतालीस है अज्ञा का पूरा नाम क्या था तो तैंतालीस का आंसर जो है वो यहाँ पर बी हो जाएगा सच्चिदानंद हरिनद वातसैन अज्ञा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौवालीस पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर चौवालीस जो है ध्वनि पग ध्वनि कविता के कवि कौन है क्वेश्चन नंबर चौवालीस है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा बच्चन क्वेश्चन नंबर पैंतालीस है मधुशाला के कवि कौन है तो पैंतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर डी इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर छियालीस यहाँ पर पूछा गया है कि मेरे दीपक शीर्षक के कविता के कवि कौन हैं तो छियालीस नंबर का आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा क्वेश्चन नंबर सैंतालीस है नव संस्कृति के कवि कौन है तो क्वेश्चन नंबर सैंतालीस का आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर पंत क्वेश्चन नंबर अड़तालीस का आंसर आप लोग बताइए हिमांतरी कविता के कवि कौन है क्वेश्चन नंबर उनचास यहाँ पर है वाणी कविता के कवि कौन है तो उनचास का आंसर जो है वो यहाँ पर सी हो जाएगा पंत क्वेश्चन नंबर पचास है यहाँ पर बापू कविता के कवि कौन है तो पचास नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर इक्यावन है यहाँ पर लेजिस्लेटिव का हिंदी अनुवाद क्या होगा तो इक्यावन नंबर का आंसर जो है वो यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बावन है ग्रॉस का हिंदी अनुवाद क्या होगा तो यहाँ पर बावन नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तिरपन है एक्सपर्ट का हिंदी अनुवाद तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौबन है यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर चौबन का आंसर जो है वो भी यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पचपन का आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छप्पन है यहाँ पर इंजीनियर का हिंदी अनुवाद तो इसका आंसर ए हो जाएगा अभियंता क्वेश्चन नंबर सतावन है यहाँ पर रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या होगा तो सन्तावन नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी यहाँ पर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अंठावन है सेंडिकेट का हिंदी अनुवाद पूछा जा रहा है तो अंठावन का आंसर जो है बी हो जाएगा अभिषीद क्वेश्चन नंबर उनसठ है यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर उनसठ में पूछा जा रहा है सेनेट का हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका आंसर जो है डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सात है, है साठ है यहाँ पर एडवांस का हिंदी अनुवाद क्या होगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा अग्रिम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इकसठ पूछा जा रहा है संक्षेपण के गुण के बारे में तो इकसठ का आंसर जो है वो बी हो जाएगा पूर्णता क्वेश्चन नंबर बासठ है यहाँ पर पल्लवन की भाषा क्या होनी चाहिए तो बासठ नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त तो सभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तिरसठ पूछा गया है संक्षेपण का संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए तो तिरसठ का आंसर जो है वो यहाँ पर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौंसठ है पल्लवन के गुण के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा भाव विस्तार क्वेश्चन नंबर पैंसठ है भाइस कैंस वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद क्या होगा तो पैंसठ नंबर का आंसर बी हो जाएगा कुलपति क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छियासठ है जिसमें पूछा गया है कि टिप्पण के प्रकार तो यहाँ पर छियासठ का आंसर जो है वो सी हो जाएगा ए और बी दोनों और सड़सठ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टिप्पण के विशेषता के बारे में तो सड़सठ नंबर का आंसर जो है ए हो जाएगा संक्षिप्तता क्वेश्चन नंबर अड़सठ है यहाँ पर शोक पत्र लिखा जाता है तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अड़सठ का आंसर यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा ए मृत्यु पत्र क्वेश्चन नंबर उनहत्तर है संसार संबंधित क्या कहलाता है संसार से संबंधित क्या कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए लौकिक क्वेश्चन नंबर सत्तर है यहाँ पर विज्ञान का ज्ञाता क्या कहलाता है तो सत्तर का आंसर ए हो जाएगा वैज्ञानिक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इकहत्तर पूछा गया है भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है तो भोजन करने की इच्छा भूख कहलाती है क्वेश्चन नंबर इकहत्तर का आंसर बी हो जाएगा और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भोजन करने की इच्छा को भूख नहीं बल्कि कहा जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बहत्तर है। अनेक को का क्या कहा जाता है तो बहत्तर क्वेश्चन का क्या कहा जाता है तो तिहत्तर का आंसर जो है वो यहाँ पर ए हो जाएगा ध्याता चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है तीक्ष्ण बुद्धि वाला को क्या कहा जाता है तो चौहत्तर का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि क्वेश्चन नंबर पचहत्तर है यहाँ पर अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है तो पचहत्तर का आंसर जो है वो यहाँ पर बी हो जाएगा कुल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सतहत्तर है त्रास का प्राचार्य पूछा जा रहा है यानी कि त्रास का पर्यावाची शब्द पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर छिहत्तर का आंसर जो है डी हो जाएगा उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर सतहत्तर है यहाँ पर गुरु का प्राचार्य शब्द तो इसका आंसर जी डी हो जाएगा उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर अठहत्तर है यहाँ पर चंद्रमा का प्राचार्य पूछा जा रहा है तो अठहत्तर का आंसर जो है वो सी हो जाएगा ए और बी दोनों क्वेश्चन नंबर उनासी है भाग का पर्यावाची शब्द तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा उनासी का आंसर सी हो जाएगा हिस्सा क्वेश्चन नंबर अस्सी है यहाँ पर असीम का अर्थ क्या होता है तो अस्सी नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा अपार क्वेश्चन नंबर इक्यासी है यहाँ पर आकाश का पर्यावाची शब्द पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जो है इक्यासी का आंसर आप लोग का सी हो जाएगा ए और बी दोनों बेरासी का आंसर है यहाँ पर अर्थ का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो बेरासी नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा इति क्वेश्चन नंबर तेरासी यहाँ पर है अनुराग का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो तेरासी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी हो जाएगा विराग और यहाँ पर चौरासी नंबर अनुदार अनुदार का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो चौरासी का आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो बी हो जाएगा उदार क्वेश्चन नंबर पचासी है यहाँ पर अनुलोम का अनुलोम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है तो पचासी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए होगा प्रतिलोम अनुलोम का यहाँ पर शायद यहाँ पर अनुलोम का विलोम शब्द पूछा जाता है तो अनुलोम का होता है विलोम शब्द प्रतिलोम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छियासी है उपलब्ध का विलोम शब्द क्या होगा तो छियासी का आंसर सी हो जाएगा अनुपलब्ध दीर्घायु का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो दीर्घायु का हो जाएगा आंसर बी अल्पायु क्वेश्चन नंबर सतासी का आंसर बी हो जाएगा और अट्ठासी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अठासी नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अठासी नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर सन्यासी का शुद्ध रूप पूछा जा रहा है तो अठासी का आंसर जो है वो बी हो जाएगा सन्यासी क्वेश्चन नंबर नवासी है जीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा तो नवासी का आंसर बी हो जाएगा तो नब्बे यहाँ पर पूछा जा रहा है धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा तो नब्बे का आंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर सी हो जाएगा विनम्र क्वेश्चन नंबर इक्यानबे यहाँ पर है पूछा जा रहा है आँखें फेर लेना का अर्थ क्या होगा तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा उदासीन हो जाना क्वेश्चन नंबर बिरानवे है इतिश्री होना का अर्थ क्या है तो बिरानवे का आंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर सी हो जाएगा समाप्त हो जाना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तिरानवे है खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होगा कड़ी मेहनत करना इसका आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौरानवे है यहाँ पर कोल्हू का बैल का अर्थ क्या होगा तो चौरानवे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर सी हो जाएगा कठिन परिश्रम करना क्वेश्चन नंबर पंचानवे यहाँ पर हिंदी भारत की भाषा है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है राजभाषा राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा तो यहाँ पर तो अगर ऑप्शन रहता ये तीनों तो तीनों होता नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये कुछ डाउट भरा है इसका आंसर जो है वो राष्ट्रभाषा होना चाहिए क्योंकि हिंदी पहले राष्ट्रभाषा है उसके बाद राज्य भाषा और संपर्क भाषा है तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छियानवे जो है वो है राजभाषा का संविधान से अपला उपलब्ध के बारे में पूछा जा रहा है तो छियानवे नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर ए हो जाएगा भाग सत्रह में उपलब्ध है क्वेश्चन नंबर संतानवे है यहाँ पर प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था तो संतानवे नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा उन्नीस सौ पचपनवे क्वेश्चन नंबर अंठानवे है यहाँ पर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो अंठानवे का आंसर जो है वो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं निन्यानवे नंबर क्वेश्चन है राजभाषा का अभिप्राय क्या है तो इसका आंसर जो है वो आप लोग को यहाँ पर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं सौ नंबर क्वेश्चन है मैथिली को संविधान में स्थान कब मिला था तो क्वेश्चन नंबर सौ का आंसर जो है वो ए हो जाएगा दो हज़ार तीन में तो ये रहा आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर पसंद पड़ा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर आप लोग को और भी एजुकेशन टाइप की वीडियो देखने को मिलती रहती है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग हम आप लोग से फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं किसी और भी विषय का तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग जो है वहाँ अपना क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से साफ से घिंच करके और प्रोवाइड कीजिए हम आप लोग को उसका आंसर भी देने की कोशिश करेंगे